निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत आवास पाने के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 31 मई की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत 402 यूनिट आवास आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड शांतिनगर कोका एवं कुरुद में निर्मित हैं। इन आवासों में कैनाल रोड तथा अन्य विकास कार्य से प्रभावित परिवारों का व्यवस्थापन किए जाने के लिए प्रभावित हितग्राहियों को शामिल किया गया था, जिसमें से अब भी 180 प्रभावित हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने राशि और दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। ऐसे 180 हितग्राहियों को 31 मई तक का समय अतिरिक्त रूप से दिया जा रहा है। इस अवधि के बाद जो हितग्राही राशि और दस्तावेज जमा नहीं करेंगे उन्हें अपात्र घोषित कर बचे हुए मकान निगम क्षेत्र में किराएदार के रूप में निवासरत पात्र परिवारों को दस्तावेज और राशि जमा करने पर आवंटित कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एसीए न्यूज को दी है। मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी जो योजना है उसके तहत में जो नाला से प्रभावित वाले हैं, किनाल से प्रभावित वाले हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनसे आवेदन लिए गए थे। आवेदन लेने के पश्चात में कुछ ऐसे प्रोसेस जो हैं जो जिसमें राशि जमा कर दी है निर्धारित और जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में उनको आवास आवंटन की प्रक्रिया में शामिल करते हुए लॉटरी सिस्टम से उनका आवास आवंटन किया जाना है। परंतु इसके लिए निर्धारित तिथि तय की गई थी। कुछ ऐसे 180 ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये राशि जमा नहीं की है और ना ही उन्होंने कोई दस्तावेज अपने जमा किए हैं जो आवास आवंटन के लिए, तो उनको अंतिम अवसर दिया गया था। अभी जो अंतिम अवसर है वो कल समाप्त हो चुका था, जिसको माननीय महापौर जी ने संज्ञान में लिया और बोले कि अंतिम मौका की तिथि जो है वो 31 मई तक और बढ़ा दी जाए ताकि जो छूटे हुए लोग ऐसे 180 लोग हैं उनको फिर से मौका मिल सके, वो पुनः आ सके। और ये 31 मई की जो तिथि है उसकी सारी सूचनाएं जो है नोटिस बोर्ड में सभी जोन क्षेत्रों में और निगम मुख्य कार्यालय में चस्पा की जा चुकी है। 31 मई में यदि ऐसे लोग जो किनार से प्रभावित हैं और नाले से प्रभावित लोग हैं जो शामिल हैं वो नहीं आते हैं, तो अब ये होगा कि किराएदारी में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जो उनकी क्राइटेरिया के तहत आते हैं, उनको अब मौका मिलेगा। मतलब ये जो 180 आवास हैं वो 180 आवास अब यदि कोई आवंटित इसके लिए अपने दस्तावेज राशि जमा नहीं करते हैं तो वो किराएदारी वालों को मिलेगा और इसकी प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाएगी। मूल 180 बचे हुए हितग्राही अगर अपने दस्तावेज और राशि जमा नहीं करते हैं तो इसका लाभ किराए पर रह रहे हितग्राहियों को मिलेगा, बशर्ते वे अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज नगर पालिका निगम भिलाई में जमा कराएं। ग्रैंड एसीए न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।